फुटबॉल क्लब से कोई जय हिंद क्लब पेट खासा से कोई आई बस रहा पहचान छुआ और नवा का मैच बुन जेले कनवा टूर्नामेंट ना तीन दूसरा दिन ना नवा दूसरा मैच करना एफसी बरसात यूनाइटेड और एफसी नोएडा 11 ग्राउंड ना पुरुम लखा खोन हरियर रंग रहे नुको टीम दो बरसात यूनाइटेड और ग्राउंड ना पश्चिम लखा खोई नील रंग ना जर्सी रहे नुको टीम दो एफसी नोएडा 11 नवा उका तो लेडीज लगी उका जगह तो होकन गोगो दुनात को लगी जगह तो होकन नवा समांग रहे तीन तो पे तिंगू बड़ा उकान तीन तो भीड़ बना पे थे नहर तहे ना वहां पे नोडे कोई खली पे और बंखाई नोडे कोई को चोल पे खाई तयम थे एटार हो जगह पे जमा तो निश्चित रूप से अपे लगे की दिक्कत हुई होना इते अपे नीत्र की नोडे कोई अपे जगह खली पे और एटार अपे जगह सुनिश्चित जम पे दोनों टीम से कई विदेशी प्लेयर्सों का यहाँ संगम है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम दोनों टीम्स को देखा जाए तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी बट यहाँ से यह ऑफसाइड का फ्लैग रेज होता हुआ काफी लंबा शॉट लिया लेकिन वहाँ कोई डिफिकल्ट नहीं गोलकीपर के लिए वहाँ अटैकर टीम के प्लेयर्स भी मौजूद नहीं थे इसलिए वहाँ पर गोलकीपर आराम से अपने ग्लव्स में गेंद को लेते हैं एफसी नोएडा 11 कना खींचा निश्चित रूप से यहाँ पर गेंद अच्छा पास निकाला जरूर लेकिन गेंद पोजीशन अभी तक यहाँ पर नोएडा एफसी की टीम ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपने कब्जे में गेंद को लेने का प्रयास लेकिन थोड़ा सा पासिंग एक्यूरेसी वहाँ उतना बेहतर बना नहीं गेंद को प्ले में रोकने का प्रयास लेकिन प्लेयर्स एंड मौके पर अपना संतुलन खो बैठे निश्चित रूप से थोड़ा सा मैं अवगत कर दूं जितने भी यूट्यूबर हैं अपना कैमरा बचा करके रहिएगा भाई क्योंकि काफी महंगा महंगा आपका कैमरा सेट है तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा भी उसका जरूर ध्यान रखें इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके आप रहिए इस मैच के जो मुख्य रेफरी हमारे विजय दास सर और हमेशा जब भी इस रेफरी को हमने देखा है हर बड़े टूर्नामेंट में अक्सर इनका ग्रुप इनकी लीडरशिप में आते हैं और बहुत ही बेहतर अंदाज में हर एक मैच का सुचारू ढंग से संचालित करने में ये माहिर है यहाँ पर हैंड फॉल का कॉल आ गया है हैंड फॉल ये तो दम
समय बांग हुई करना वाई तो हम समय करना उड़ाए थे जैसे जैसे समय हुई दिया निश्चित रूप से मैच ने काफी ज्यादा बदलाव बुनियाद लिया बना टीम से खोई